पाप का तांडव फिर से उठा, जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता, देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। जब कहानी जी, जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कापे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी, 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 जूनियर जी। के साथ क्या हो रहा है? बेचारी कितनी दुखी है, ये सब कंकाल भूत जहर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर मैं देखता हूं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। आंटी, आंटी, बोलो गौरव, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, यही ना कि आंटी मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे भूत है, जहर है, कंकाल है, और तुम यहाँ से जाना चाहते हो, यही बात है ना? नहीं आंटी, ये बात नहीं है। मैं जानती हूँ गौरव, यही बात है, तो मुझे इस दुख की घड़ी में मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, अपनी माँ को अकेला छोड़ के जाना चाहते हो, यही बात है ना? नहीं आंटी, मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो, क्या बात है? आंटी पहले आप ये बताइए कि मिस्टर वर्मा की मौत कैसे हुई? शहर से एक विचित्र जहर से उनकी मौत हुई है। तो आंटी ये बताइए कि सचमुच इस कमरे में भूत है? नहीं, ये सब फिजूल की बातें हैं, सब बकवास है। तो आंटी आपके पति कैसे मारे गए थे? उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसे मैं आज तक नहीं बुला पाई। आंटी मिस्टर वर्मा की मौत के समय अब कहाँ थी? यही इसी घर में थी। आंटी ये बताइए कि आपने अपने पति की लाश को दफनाया था? गौरव तुम ऐसा फिजूल की बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? नहीं आंटी बस एक लास्ट सवाल, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ कितने सालों से रहती है? मैंने कहा ना गौरव, मैं यहाँ कुछ सालों से रह रही हूँ। तो आंटी आप मेरे साथ गार्डन आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। आंटी आप घबराइए मत, प्लीज आइए, जल्दी आइए। आंटी आप घबराइए मत, आइए आइए। आंटी आप कह रही थी कि आप यहाँ कुछ सालों से रहती है?
हाँ ये सच है। नहीं आंटी, आप मुझसे मजाक कर रही है। आप यहाँ कुछ सालों से नहीं रहती है। याद कीजिए। हाँ आपको याद आ रहा है, याद कीजिए। आ रहा है याद, याद कीजिए। गौरव ये क्या मजाक है? मैंने कहा ना मैं यहाँ कुछ सालों से रहती हूँ, तुम इस तरह की बात करके मुझे दुखी और परेशान क्यों कर रहे हो? ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, तो फिर ये क्या है? महाकाल चिंकार है, ये सब क्या हो रहा था? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। फिमांचू ये सब तुम्हारी दूसरी शक्ति का कमाल था। दूसरी शक्ति का? हाँ दूसरी शक्ति का, देखना चाहेगा? अवश्य अवश्य महाकाल अवश्य। ओम क्रीम क्राम क्रूम क्रीम क्राम क्रूम क्रीम क्राम क्रूम। फिमांचू ये है तुम्हारी दूसरी शक्ति इच्छाधारी नारी। ये अपनी इच्छा से कोई भी भेष धारण कर सकती है। इसके शरीर का थोड़ा सा भी भेष एक इंसान को मौत की नींद सुला देता है। इस नागकन्या की सांसों में वो जहर है जो आदमी को यमलोक पहुंचा सकता है। और इसका घातक विष इस पूरी सृष्टि पर प्रलय भी मचा सकता है। इच्छाधारी नागिन आज से ग्रेट रोमांच तुम्हारे मालिक हैं। हमने अपनी आंखों के सामने चारों ओर प्रलय ही प्रलय देखा हूँ, प्रलय ही प्रलय। तुमने ठीक पहचाना ना? ठीक पहचाना गौरव, आज से ठीक 20 साल पहले मेरी मौत हो चुकी थी। जब आप मेरे चेहरे से ये नकाब उठ चुका था तो आप तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब मेरे चंगुल से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज तुम्हें मुझसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मैं किधर रुक जाऊं? तो मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें जाने दूं? तुम क्या चाहती हो?
तुम्हारी जान चाहिए बेटा। तो ना, लेकिन तुम्हें सब करके क्या मिलता है? बहुत शांति मिलती है मुझे। आज तुम्हारी जान लेगी। ओह, तो ये सब तुम्हारी चाल थी? तुम्हारी बेटा, ये प्यारा सा षड्यंत्र जिसमें तुम फंस चुके हो और आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ, मैंने कहा आगे मत बढ़ो। आज मैं नहीं रुक सकती। ना तो मैंने अपनी शक्ति कितने लोगों की जान ली है, लेकिन तुम मेरे चक्रव्यूह में फंस चुके हो। क्रीम क्रम क्रोम क्रीम क्रम क्रोम छू। मामी मामी, मैं ना बड़ा होके बहुत शैतान बनूंगा। मामी मामी, मैं बड़ा शैतान बनूंगा, सारी दुनिया में आतंक मचाऊंगा, गोली मारूंगा। मामी मामा, मुझे शैतान दास जी, ग्रेट फिमांचो को ये क्या हो गया? ये तो बच्चा बन गए। और ये बच्चों जैसी हरकतें भी कर रहा है। शैतान दास कुछ कीजिए, नहीं तो ये बच्चे ही बने रहेंगे। ओम क्रीम क्रम क्रोम क्रीम क्रम क्रोम छू। मांचु, ये तेरी तीसरी शक्ति थी, इसे भी दे। ओम क्रीम क्रम क्रोम क्रीम क्रम क्रोम छू। विमांचो, ये है तुम्हारी तीसरी शक्ति, मिस सम्मोहना। किसी की शक्ति के कारण तुम बच्चे बन गए थे। आज से ये तुम्हारी तीसरी शक्ति है। इसके पास वो शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकती है और उसे अपने वश में करके कोई भी काम करा सकती है। सारी सृष्टि इसके सामने झुकती है। इसकी सम्मोहन शक्ति को तोड़ना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े सूरमा इसके चरणों में झुकते हैं। मिस सम्मोहना, आज से ग्रेट फिमांचो तुम्हारे मालिक हैं। ग्रेट फिमांचो, चिंकारा, अब तो मुझे लगा है पूरी सृष्टि को काबू हो जाएगा भैया। पूरी सृष्टि मेरी मुट्ठी में होगी। मिस सम्मोहना पूरी सृष्टि को सम्मोहित कर देगी। चिंकारा, तुम्हें जानना नहीं चाहोगे बेटा कि तुम्हारे मिस्टर वर्मा कैसे मारे गए? यानी कि तुमने ही मिस्टर वर्मा को? हाँ, मैंने ही तुम्हारे मिस्टर वर्मा को ऐसी भयानक मौत दी जिसकी हुई जंगल में ना जाने कितने पुलिस वाले और डॉक्टर उलझ कर रह गए और आज तक ये पता नहीं लगा सके कि मिस्टर वर्मा कैसे मरे थे।
और तो मैंने ना जाने कितने किराएदारों को उनकी एलआईसी अपने नाम जब जब जैसे जैसे मौका मिलता रहा मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए उनको मारती रही। आज तक मेरी चंचल से कोई नहीं बचा और आज तुम भी नहीं बच सकोगे बेटा गौरव। सिद्धराज, ये कंपन कैसा था? फिमांचो, ये कंपन नहीं है, ये मिस विध्वंसक की शक्ति है। देखना चाहेगा? अति आवश्यक है मेरे लिए, अति आवश्यक। ओम क्राम क्रूम क्रीम क्राम क्रीम क्रूम छू। लिंडा, ये है तुम्हारी चौथी शक्ति, मिस विध्वंसक। ये अपनी शक्ति से ऐसी तबाही मचा सकती है जो तुमने कभी देखी ना हो। ये अपनी शक्ति से ऐसी तबाही मचा सकती है जो तुमने कभी देखी ना हो। ये जब चाहती है सारे पर्वत चट्टाने एक हो जाते जाते और पृथ्वी पर भूचाल सा जाता है। इसकी असीम शक्ति इस पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती है। चिंकारा मिस विध्वंसक, रेड फ्यूमांचो आज से तुम्हारा मालिक है। रेड फ्यूमांचो, मिस विध्वंसक का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार किया रेड कपटेश्वर महाराज, चिंकारा की जय हो। आज मैं इतना प्रसन्न हूँ, मुट्ठी में होगी, मेरी मुट्ठी में होगी। जिसके स्वामी आप हो उसे किसी का डर नहीं, किसी का डर नहीं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। अपनी तांत्रिक शक्तियों से किसी भी आत्मा को अपने वश में करके उससे कुछ भी करा सकते। ये औरत तो मुझे मार डालेगी, ये तो आगे बढ़ रही है। अभी आसमान नहीं पहुंची।
बराह काल चिंकारा ने दी और दो शक्तियां काल कलंतर और मैडम रक्तहरणी, इन दोनों में ऐसी कौन सी विनाशकारी शक्तियां हैं? आखिर इस दुष्ट ने गौरव की जान ले ही ली, आखिर बुराई अच्छाई पर हावी हो ही गई। क्या प्रोफेसर बर्नांडो गौरव की आत्मा को यमलोक जाने से रोक पाएंगे? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।